Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ पूजा and I make videos on education, travel and lifestyle. और अगर आप इस channel पे नए हैं, तो let me tell you, all the educational stuff is uploaded on Tuesdays and so we call it as hashtag informative Tuesdays. And बाकी सारे जो fun videos हैं, जैसे कि challenges, travel videos, lifestyle vlogs, etc. are uploaded on Saturdays and so we call it as hashtag fun Saturdays. और जैसे कि आज Tuesday है, तो I am here in front of all of you guys with an informative Tuesday video जिसका topic है, जिसका नाम है financial modeling. सबसे पहले देखते हैं कि what is financial modeling, आखिर ये क्या है, क्या ये एक course है, क्या ये एक degree है, क्या है ये. तो financial modeling basically एक skill है और जिनको ये स्किल आ जाती है, जो ये स्किल अक्वायर कर लेते हैं, उन्हें सर्टिफिकेशन दिया जाता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग सर्टिफिकेशन. तो ये स्किल क्या है? तो ये स्किल है बिजनेस का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की स्किल, बिजनेस के फ्यूचर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का स्किल. अब फ्यूचर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाने हैं? तो देखो, मान लो मेरा एक बिजनेस है जो कि पुणे सिटी में है और मेरा जो सप्लाई है वो पुणे के आसपास के गांवों में है, विलेजेस नियर बाय पुणे. एक दिन मुझे अचानक से लगता है कि यार मैं और विलेजेस कवर कर सकती हूँ. मतलब मैं 10 अगर विलेजेस में सप्लाई कर रही हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है, तो मैं और एक्सपांड कर सकती हूँ. ये मेरे दिमाग में आता है, आइडिया आता है. अब ये आइडिया सिर्फ आने से कुछ नहीं होगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या वो फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं. तो उसके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग जिसको आती है, मुझे उसे हायर करना पड़ेगा. तो वो क्या करेगा? वो मेरे करंट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेगा, मेरा करंट सेल्स लेगा, मुझसे सारा जो हिस्ट्री है, जो करंट डेटा है, वो कलेक्ट करेगा और फिर फोरकास्ट करेगा. अगर आपको और 5 विलेजेस में मान लो एक्सपेंशन करना है, सप्लाई बढ़ाना है और 5 विलेजेस में, तो फिर आपको कितना, मतलब कितना सेल्स आपका बढ़ेगा, वो सेल्स बढ़ाने के लिए आपको कितना और लेबर लगेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कितना चार्जेस बढ़ेंगे और असेट्स कितने लगेंगे, कैपिटल असेट्स यानी गाड़ी वगैरह जो भी होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो कितने खरीदने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करेगा और फिर आने वाले 5 सालों का या 10 सालों का मुझे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देगा. अब वो ये कैसे करेगा? अब उसके लिए उसको फोरकास्टिंग टेक्निक सिखाए जाते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग इस कोर्स में, इस सर्टिफिकेशन कोर्स में उसको फोरकास्टिंग टेक्निक सिखाए जाते हैं, वैल्यूएशन मेथड्स बताए जाते हैं, वो सारी मैथमेटिकल अकाउंटिंग चीज़ें ध्यान में रख के वो मुझे आगे के 5-10 सालों का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देगा, फोरकास्ट करके देगा. और फिर वो देखकर हम डिसीजन लेंगे कि क्या ये एक्सपांशन फिजिबल है या नहीं है, फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है, क्या हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है, प्रेजेंट सिनेरियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रेजेंट बिजनेस पे उसका क्या असर होगा. ये सारी चीज़ें करके देने के लिए मुझे एक चाहिए फाइनेंशियल मॉडलिंग जिसको आती है, वो पर्सन चाहिए मुझे, वो स्किल्स जिसमें है वो चाहिए. अब ये करने के लिए उस पर्सन को एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज चाहिए. एक्सेल का नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो मैथमेटिकल अकाउंटिंग कैलकुलेशंस वो करेगा, वो एक्सेल बहुत ही एक इजी सॉफ्टवेयर है जो कि सबको सपोर्ट करता है. जब सीए के जो बच्चे होते हैं आर्टिकलशिप करते हैं, तो आर्टिकलशिप में भी उनको एक्सेल बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, क्योंकि एक्सेल में बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ईजी होता है. तो जिस पर्सन को एडवांस्ड एक्सेल नॉलेज है, वो मुझे फ्यूचर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे सकता है. अब ये तो हो गया, मुझे जब मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है उसके लिए चाहिए फाइनेंशियल मॉडलर. अगर मुझे कोई और बिजनेस अक्वायर करना है, यानी मेरी कंपनी का मान लो नाम है ए और मेरे जैसा ही बिजनेस करती है कंपनी बी, अब मुझे बी को अक्वायर करना है, तो ये जो मर्जर एक्विजिशन करना है, ये सब भी फिजिबल है या नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या आगे चल के लॉसेज होंगे, क्या होगा, कितना मैंने कोट करना चाहिए, कितने में उनका बिजनेस अक्वायर करना चाहिए, वो कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, नेटवर्क क्या है, ये सारा कैलकुलेशन करने के देने की भी कैपेबिलिटी होती है एक फाइनेंशियल मॉडलर में. तो अब ये सुन के आपको कुछ याद आया,
नहीं आया तो मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जाके वीडियो देख लीजिए. इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होता है उसमें भी ये सारी कैपेबिलिटीज़ होती है, यानी यहाँ से कड़ियाँ कहीं तो जुड़ रही है. यानी अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसना है तो ये सर्टिफिकेशन अगर आपने किया तो बहुत ही ज़्यादा आप फायदे में रहने वाले हो. यानी आपको हल्का सा एक आइडिया आ गया होगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स जिसके पास है वो आखिर करता क्या है. वो कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करके फ्यूचर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देता है और बताता है कि एक्सपांशन फिजिबल है या नहीं है. अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी अक्वायर करनी है तो वो उस कंपनी का वर्थ निकाल के देता है, कितने में मैक्सिमम अक्वायर होनी चाहिए, ये सारी कैलकुलेशंस वो करके देता है. अगर कंपनी को खुद की वैल्यूएशन निकालनी है कि आज अगर मैं मार्केट में शेयर्स इशू करने जाऊँ, आज तक मैं प्राइवेट कंपनी था, अगर मुझे पब्लिक कंपनी होना है, पब्लिक को अपने शेयर्स देने, तो मेरी शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्विटी वैल्यूएशन मेरा क्या होना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन भी फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स जिसके पास है वो करके दे सकता है. तो ऐसे काफ़ी सारे जो स्किल्स हैं उसके पास आ जाते हैं एक बार ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का छोटा सा कोर्स करने के बाद. तो अब ये तो समझ लिया कि फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल होता है एक, और वो स्किल जिसके पास है वो इंसान क्या क्या कर सकता है. अब किसने अक्वायर करनी चाहिए ये स्किल, यानी किसने ये कोर्स करना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए. फाइनेंशियल मॉडलिंग सिर्फ आपने 12th के बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग की तो वो बिल्कुल फ़ायदे में नहीं रहेगा. आपके पास एक और कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन, जैसे CA है. या फिर आप CA मतलब पास नहीं हो पाए, आपका इंटरमीडिएट हो गया, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन हो गया, इंटरमीडिएट यानी IPCC आपका हो गया, पर CA फाइनल आप नहीं पास कर पाए, तो अगर आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग किया तो बहुत फ़ायदे में जाओगे आप, क्योंकि आपको 3 साल की आर्टिकलशिप में बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है. फाइनेंस के रिलेटेड सारा नॉलेज आ जाता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करने का सारा नॉलेज आ जाता है. तो अगर आप CA ऑप्ट आउट किया है आपने, देन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ ये 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स मिलते हैं. देन उसके बाद अगर आपने CFA किया है, CFA में तो ऑलरेडी वो बहुत सारा कवर हो ही जाएगा, तो आपका एनहांस हो जाएंगे स्किल्स फाइनेंशियल मॉडलिंग करोगे. तो CFP किया है आपने, CWM किया है, CWM करने के बाद भी ये बेनिफिशियल होता है क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग में वेल्थ मैनेजमेंट भी एक टॉपिक होता है. इस फील्ड में भी फाइनेंशियल मॉडलिंग हो सकती है, तो CWM करने के बाद भी आप कर सकते हो. आपने ACCA किया है, आपने CIMA किया है, तो ऐसे जो कोर्सेज किए हैं उनके साथ अगर ये आपने छोटा सा सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया तो आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे, जिसका आपको जॉब में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा. अब ये समझ लिया कि फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स होते क्या हैं, फिर किसने ये स्किल्स अक्वायर करने चाहिए, यानी किसने ये सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए, ये भी देख लिया. अब कौन करवाता है ये कोर्स, कौन ये सर्टिफिकेशन देता है, तो देखो इंडिया में जो सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग जो ये कोर्स इंडिया में लाया था, सबसे पहले IMS प्रो स्कूल इन्होंने लाया था, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है. ऐसे काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स का सर्टिफिकेशन देते हैं, कोई ऐसे गवर्नमेंट बॉडी नहीं है इसके लिए. जैसे CA के लिए ICAI एक पार्लियामेंट एक्ट से ये हुई बॉडी है, वैसा कोई बॉडी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जो इस सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि IMS प्रो स्कूल है, फिनट्री है, देन इमार्टिकस है. ऐसे काफ़ी सारे अगर आप गूगल करोगे आपको काफ़ी सारे नाम ऐसे मिल जाएंगे जो ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं. पर अगर आपको करना है तो प्लीज़ किसी ऑथेंटिकेट सोर्स से ही कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देते हैं, जो सिर्फ सब्जेक्ट्स दे होते हैं, वो सब्जेक्ट्स लर्न कर लो, एग्ज़ाम दे दो, बस हो गया. थियोरेटिकल नॉलेज काम का नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे आपके एनालिटिकल स्किल्स सिर्फ थियोरी से नहीं एनहांस होंगे, आपके एनालिटिकल स्किल्स तब एनहांस होंगे जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे. लाइव प्रोजेक्ट्स यानी किसी एक्चुअल एम्प्लॉयर के पास काम करोगे तब आपके एनालिटिकल स्किल्स एनहांस होंगे. सिर्फ बुक्स पढ़ के, बुक्स ही पढ़ने हैं तो वो आप गूगल से भी पढ़ सकते हो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं. तो जो इंस्टीट्यूट सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे आप ज्वाइन मत कीजिए. जो लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करवा रहा है आपको, लाइव एम्प्लॉयर्स के प्रोजेक्ट्स दे रहा है, जिनके पास खुद के पास आते हैं प्रोजेक्ट्स ऐसे, वहाँ पे आप काम कीजिए. यानी बेसिकली जहाँ पे आपको इंटर्नशिप का स्कोप है वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए. फीस ज़्यादा होगी
पर बेनिफिशियल वही होगा, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज बेनिफिशियल नहीं है। और ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं, यानी आपका एक बार थ्योरेटिकल एग्जाम्स देके हो गया, फिर उसके बाद आपका लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करके हो गया, उसके बाद आपका प्लेसमेंट करवाने का भी वही जिम्मा लेते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कीजिए, काफ़ी सारे हैं इंडिया में, पर अच्छे से अपना रिसर्च करके फिर ज्वाइन कीजिए। अब बात करते हैं फीस की, कि कितनी फीस लगती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो सबकी फीस अलग अलग होती है डिपेंडिंग कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सिर्फ बेसिक नॉलेज अगर वो दे रहे हैं आपको, बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज, तो 7,000 से भी शुरू होती है उनकी फीस, और जो आपको सब कुछ दे रहे हैं तो उनकी 60-70,000 तक भी जाती है। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, उनके हिस्ट्री के ऊपर, उन्होंने कितने प्लेसमेंट्स करवा चुके हैं, कितना सक्सेसफुल है उनका, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है उनकी फ़ीस। उनका जो स्टेटस है, जो स्टैंडर्ड है इंडिया में कैसा है, उनका नाम कितना है, इस सब पे डिपेंड है। तो सबकी अलग अलग फ़ीस होगी, तो ये 7,000 से लेकर 70,000 तक ये फ़ीस आपको भरनी पड़ सकती है। कितना ड्यूरेशन लगेगा ये सर्टिफिकेशन कोर्स करने में, तो ड्यूरेशन भी हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। किसी का 1 महीने में हो जाता है, किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने भी लगते हैं। तो ऐसे ड्यूरेशन भी 1-6 मंथ्स के बीच में सबका अलग अलग होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो, सारे इंस्टीट्यूट्स का अपना अलग अलग सिलेबस होगा, लेकिन बेसिक ये 5 चीज़ें वो आपको सिखाएंगे ही अपने सिलेबस में। सबसे पहले होता है एडवांस्ड एक्सेल ट्रेनिंग, तो एक्सेल ट्रेनिंग देंगे बहुत ही एडवांस्ड अच्छे लेवल की। फिर उसके बाद आपको सिखाएंगे कि फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे बिल्ड करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं, और हर एक मॉडल को बिल्ड करने का अपना अलग तरीका होता है, बिल्ड करना यानी बनाने का। तो वो आपको सिखाएंगे हाउ टू बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल्स, देन उसके बाद आपको वैल्यूएशन सिखाएंगे, देन उसके बाद आपको फोरकास्टिंग यानी एस्टिमेट करने के टेक्निक सिखाएंगे, फोरकास्टिंग टेक्निक्स, और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग यानी सारी चीज़ें आपने कर ली, फाइनेंशियल मॉडल बिल्ड कर लिया, फोरकास्ट कर लिया, वैल्यूएशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को इन राइटिंग कैसे बताओगे कि ये चीज़ें हैं, रिपोर्ट कैसे बनाओगे, तो वो भी सिखा लेते हैं। तो ये बेसिकली ये 5 चीज़ें इंक्लूडेड ही होती हैं हर एक इंस्टीट्यूट के सिलेबस में। बात करते हैं स्कोप की, कि क्या कोई स्कोप है फाइनेंशियल मॉडलिंग ये सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद। तो देखो, बहुत ही तगड़ा स्कोप है, स्पेशली जिनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अगर आप जॉब ओपनिंग्स देखोगे तो बहुत सारे एरियाज में दे स्पेसिफिकली मेंशन कि जिसके पास फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आपको जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी बहुत अलग अलग एरियाज होते हैं, उसमें जो हाई पेइंग एरियाज होते हैं जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, वहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग जिसके पास सर्टिफिकेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है। अगर आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें भी स्कोप है, क्योंकि इंडिया में अभी तक बहुत कम लोग हैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग करके प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे अच्छा खासा स्कोप है। फिर आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो अगर वो प्लेसमेंट असिस्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो आपको अच्छा जॉब दिलवा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, और स्कोप हमेशा ही डिपेंड करता है आपके खुद के एनालिटिकल स्किल्स पे। अगर आपने थियोरेटिकली बहुत अच्छे से पेपर्स पास कर लिए लेकिन आपका एनालिटिकल स्किल्स प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है तो फिर आपके लिए स्कोप नहीं है। तो स्कोप कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिकली स्किल्स कितने अच्छे हैं, एनालिटिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन से कोर्सेज के ऊपर ऐसे वीडियोस चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।